पर सत्र शुरू होते ही विधानसभा सत्र के बाहर सपाइयों ने प्रदर्शन किया, जिसमें सीतापुर के विधायक नरेंद्र वंदबा और आजमगढ़ के संगम यादव विधानसभा के सामने गले में शीशे की तख्तियां लटकाकर सरकार को आईना दिखाने के लिए पहुंचे। इसको लेकर केएनयू संवाददाता संदीप मिश्रा ने सीतापुर विधायक नरेंद्र वर्मा से बात की। बाहर जिस तरीके से आज विधानसभा सत्र होना, और ये देखिए यहाँ पे सभा की कार्यकर्ता जो है तख्ती लेकर के यहाँ पे पहुंचे हैं और यहाँ पे अपनी मांगों को लेकर के प्रोटेस्ट कर रहे हैं। सर आए हैं, यहाँ आए हैं, क्या मुद्दे हैं? भाजपा कार्यालय को आईना दिखा रहे हैं, भाजपा कार्यालय को आईना। 4.5 साल में एक भी संकल्प पत्र का एक अक्षर पूरा नहीं हुआ। वादा किया गया था किसानों से कि आपकी आय दोगुनी हुई, 4.5 साल हो गए, क्या आय दोगुनी हुई? 2 करोड़ लोगों को रोजगार मिला, 9 के पार डीजल पेट्रोल। शीशा लेकर के आए हैं आप, शीशा, ये इसका इसको इसका क्या मकसद है? और भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय को ये आईना दिखा रहे हैं कि आपने सच से आईना कि आप झांको, वादा करके क्या आए थे? एक भी वादा पूरा हुआ? महंगाई कहाँ चली गई? उत्तर प्रदेश के किसानों से बात नहीं करना चाह रहे। इस तरीके से यहाँ पे आईना लेकर के समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता यहाँ पहुंचे थे और भारतीय जनता पार्टी कार्यालय जो कि ठीक पीछे बना हुआ है उस कार्यालय को आईना दिखाना चाह रहे थे। इसके साथ ही साथ विधानसभा की तरफ अब वो धीरे धीरे कूच कर रहे हैं और वहां जा करके अब तक थी जो कि एक आईना लिए हुए हैं, उस आईने का आईने के बारे में दिखाना चाहते हैं कि हम एक बार की ये 4 साल गुजर गए हैं और 4 साल गुजरने के बाद सरकार ने आखिर क्या कुछ किया है, उसको लेकर के यहाँ पे विधानसभा के बाहर जो समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पे पहुंचे हैं और वो आईना दिखाने के काम कर रहे हैं। तो ऐसे में अभी जिस तरीके से ये आईना दिखाने का काम कर रहे हैं, समाज के जो मुद्दे हैं उन मुद्दों को उठाने का विपक्ष जो है पूरी तरह से जोर दिखाता नजर आ रहा है। कैमरामैन सत्येन के साथ मैं संदीप मिश्रा, के न्यूज, लखनऊ। और विधानसभा सत्र की शुरुआत होते ही विपक्ष